दोस्तों, जोमेटो फूड डिलीवरी कंपनी का बड़ा खुलासा, जिस पर विवाद हो रहे हैं। जोमेटो कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने अपने कस्टमर के लिए फूड डिलीवरी के सिस्टम को इनोवेट करना चाहते हैं, जिसमें कि जो फूड 30 मिनट में ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था, अब वह 10 मिनट में ग्राहकों तक पहुंचाने की संभावना जता रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी जोमेटो अब 10 मिनट में आपके पास खाना पहुंचाएगी। कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने एक ब्लॉग के जरिए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि कंपनी के इस कदम को लेकर कई विवाद भी शुरू हो गए हैं। लोकसभा के सदस्यों का कहना है कि कंपनी का यह फैसला घातक साबित हो सकता है, जिसमें लोगों ने डिलीवरी बॉय की सेफ्टी पर भी सवाल उठाए और इससे डिलीवरी करने वालों पर भी बेकार का दबाव बढ़ेगा और ऐसे में रोड ट्रैफिक नियमों का पालन साथ ही सड़कों पर बढ़ती भीड़ दुर्घटना का कारण बन सकती है। जोमेटो कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने अपने ब्लॉग के जरिए कहा कि हमें अपने सिस्टम को इनोवेशन करना है, जिसमें कि जोमेटो की 30 मिनट की डिलीवरी का औसत समय बहुत ही धीमा है, जैसे में यह जल्द ही चलन से बाहर हो जाएगा अगर हम इसे नहीं बदलते हैं। तो टेक इंडस्ट्री में बने रहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि इनोवेशन करना और आगे बढ़ना। इसलिए अब हम अपने 10 मिनट फूड डिलीवरी के ऑफर जोमेटो इंस्टा के साथ आएंगे। दीपेंद्र गोयल के इस 10 मिनट की फूड डिलीवरी की तैयारी भी पूरी हो गई है। दीपेंद्र गोयल ने बताया कि बड़े फिनिशिंग स्टेशनों के नेटवर्क पर जल्द ही डिलीवरी करने का वादा निर्भर करेगा, जो अधिक डिमांड वाले ग्राहकों के इलाकों के करीब स्थित होगा। कंपनी इसे सुनिश्चित करने के लिए डिश लेवल प्रोडक्शन एल्गोरिथम और इन स्टेशन रोबोटिक पर भी बहुत ज्यादा निर्भर होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि डिलीवरी पार्टनर की तरफ से चुने जाने पर खाना ताजा और गर्मा गर्म हो। दीपेंद्र गोयल ने इस 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस को सेफ बताया। दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया पर यह भी बताते हुए कहा कि उनकी 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस 30 मिनट की डिलीवरी सर्विस की तरह सेफ रहेगी, जिसमें सभी डिलीवरी बॉय को रोड ट्रैफिक को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही रोड सेफ्टी और लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। जोमेटो के इस 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस को लेकर उठे सवाल। जोमेटो कंपनी इस नई सर्विस से ग्राहकों को खुश करना चाहती है, पर कंपनी को यह भी समझना होगा कि इसका असर डिलीवरी करने वालों पर भी हो सकता है। ऐसे में डिलीवरी बॉय पर बेकार का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में दोनों राइडर और सड़क पर मौजूद लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है और इतनी जल्दी भी नहीं है और कोई मूर्ख ही होगा जो अपने लिए डिलीवरी बॉय की जान को जोखिम में डालेगा इस 10 मिनट के फूड डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या सुझाव है इस 10 मिनट के फूड डिलीवरी सर्विस को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसी ढेर सारे नॉलेज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।